गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द TSN स्कूल. नाउ विल कंटिन्यू आवर लेसन चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे, पहले तो जो राइटर है वो बताते कि उन्होंने जो बाबा था, जो ब्रूनो था, उनको कहाँ पहुँचा दिया था, मैसूर चिड़ियाघर में, जू के अंदर पहुँचा दिया था. बट उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी, और उधर ब्रूनो भी काफ़ी ज़्यादा सैड था, बाबा बहुत ज़्यादा सैड था, दोनों एक दूसरे से जुदा होकर अलग होकर, तो वो भी उधर से खाना नहीं खा रहे थे, इधर से इनकी वाइफ भी भूखी थी. फाइनली 3 महीने तक तो राइटर बताते कि मैंने अपनी वाइफ को रोक के रखा कि उन्होंने उसे बाबा के पास नहीं जाने दिया, मैसूर मिलने नहीं जाने दिया. बट 3 महीने बाद जो मतलब वाइफ जो थी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब जाना है और जाके बाबा से मिलना है, अगर आप लेके चले तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ मैं खुद अपने आप से चली जाऊँगी. तो राइटर बताते कि नहीं, फिर हम अब मैं अपनी वाइफ को लेकर बाबा से मिलने गया. तो जब वो वहाँ पहुँचे तो बाबा उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, और 3 घंटे तक वो एक दूसरे के साथ में ही रहे. उसके बाद में जब वापस आने का टाइम हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर वापस से रोने लगे और वापस से सैड हो गए. तो मेरी वाइफ ने वहाँ के प्रबंधक से परमिशन ली कि मुझे अपने बाबा को साथ वापस लेकर जाना है. तो इसके लिए उन्होंने अब क्या किया, सुप्रिटेंडेंट के पास गए, और सुप्रिटेंडेंट से उन्होंने परमिशन ली, और सुप्रिटेंडेंट ने उन्हें परमिशन दे दी, और फाइनली वो अपने को, अपने जो बाबा था उसको अपने साथ एक पिंजरे के अंदर, केज के अंदर बंद करके अपने वापस बेंगलोर लेकर आ गए. नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन. वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंजेड फॉर स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड. एन आईलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. Is was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. कहते हैं कि उसके बाद जब हम घर पहुंच गए तो हमने कुलियों के थ्रू उसको, बड़े से पिंजरे को नीचे रखवाया इजीली, और फिर हमने बाबा के लिए एक टापू टाइप्स बनवाया, 20 फुट लंबा, 15 फीट चौड़ा, और उसके तरफ हमने एक सूखा सा गड्ढा रखवाया जिसके अंदर हमने खाई खुदवाई, और वो 7 फुट गहरी हमने बनवाई, मीन्स उसके रहने के लिए हमने जगह बनवाई ताकि वो इजीली उसके अंदर रह सके. अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वॉज बॉट एंड पुट ऑन द आईलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट ए नाइट. स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी द ग्रैंड स्टम्प अलॉन्ग विथ हिज गन. द पीस ऑफ बम्बो बॉट ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू वर पुट बैक फ्रॉम हिम टू प्ले विद. और उसके बाद में हमने एक लकड़ी का डिब्बा उसके अंदर फिट कर दिया जिसके अंदर हम क्या रखते थे, मुर्गियाँ वगैरह रखी जाती थी, वैसा हम डिब्बा लेकर आए और हमने टापू के अंदर उसको रख दिया ताकि बाबा रात को सोने के लिए आराम से उसके अंदर कंफर्टेबली सो सकें, और बाबा को अंदर गर्म रखने के लिए हमने पुआल बिछा दिया ताकि बाबा का जो बेबी है वो भी आराम से वहाँ रह सके और उनको ठंड भी ना लगे. और उसके बाद हमने बाबा के खेलने के लिए जो सामान थे वो भी हमने वहाँ रख दिया, और चिड़ियाघर की तरह हमने उसको एकदम पूरा प्लेस वहाँ बना दिया ताकि वो इजीली आराम से वहाँ रह सके, उसको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम वहाँ ना हो, ऐसा करके हमने उसका पूरा रहने का इंतज़ाम कर दिया. इन अ फ्यू डेज द कुलीज विजिटेड द केज ऑन टू द आईलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड. कुछ दिनों बाद में जब टापू एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गया तो हमने जो बाबा था उसको ईजिली वहाँ पर खोल दिया और उसके अंदर छोड़ दिया रहने के लिए. ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया वहाँ जाकर, डिलाइटेड मीन्स खुश हो गया. स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी. और वहाँ पहुँच कर उसने अपने टांगों पर खड़ा होना सीख गया, वो बंदूक से निशाना सीख गया, मतलब उसको हम गेम्स देते थे खेलने के लिए, और अपने बेबी को भी वो हाथों से हिला हिला कर आराम से खिलाने लगा, मीन्स उसको वहाँ रहकर बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो खुश भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर था. माई वाइफ स्पेंट हार्ट सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू. और मेरी वाइफ जो थी कुर्सी पर बैठ जाती थी और उसके पास में बाबा उसकी गोद में बैठा ऐसे रहता था और उसके साथ में गेम्स वगैरह खेलता था उसके साथ में, काफ़ी देर तक मेरी वाइफ काफ़ी घंटों तक उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड करती थी. अब वो 15 महीने का हो गया था और काफ़ी हैवी भी हो गया था, वेट भी उसका बढ़ गया था क्योंकि वो बड़ा अब होता जा रहा था. तो मेरी वाइफ उसके साथ काफ़ी घंटों तक वहाँ आराम से टाइम स्पेंड किया करती थी.
The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. मेरी जो wife थी वो टापू पर आती जाती रहती थी और उसे वहाँ जाना भी बहुत पसंद था, मतलब उसको वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए ज़्यादा mostly वो time जो होता था वो वहीं पर बिताती रहती थी. I have tied a rope to the overhanging branches of a mango tree with a loop at its end. और मैंने एक आम के पेड़ के ऊपर से जो लटकी हुई शाखा थी उससे एक रस्सी बांध दी थी ताकि उससे क्या हो, मतलब वो एक छोर सा बन जाए उसके पैरों के लिए. पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 फुट गैप विद कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट. और जो वो ब्रूनो था, बाबा था, वो अपने पैर में उस फंदे को इजीली मतलब बांध के रखता था और जैसे ही वो उसको झटका ऐसे मारता तो वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह या पेड़ पौधे जो थे वो नीचे आकर आराम से गिर जाते थे, तो उसको चढ़ने में भी इजी होता था और वो जो अंदर वाली जो फुट की जो चढ़ाई थी वो भी वो इजीली वहाँ से कवर अप कर सकता था. द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे. और उस रस्सी को ही पकड़कर ब्रूनो जो बाबा था वो वहाँ से वापस मतलब अंदर से वापस बाहर आ सकता था और उससे वापस अंदर इजीली जा सकता था क्योंकि वो जो गड्ढा बनाया था मीन्स जो गहरा था उसके जाने के लिए कुछ उसको सपोर्ट चाहिए होता था, तो उसने वो रस्सी ऐसे बांध दी थी और वो ब्रूनो के पैर में बांधी थी, तो ब्रूनो उसको पकड़ के धीरे धीरे ऊपर आ जाता था और फिर वो वापस उसको नीचे चला जाता था, उसको मतलब वो दूरी तय करना बहुत ईजी सा हो गया था. बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन. बट मतलब ये कैसे कोई कह सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं या जो जो भी मतलब बियर वगैरह जो भी जानवर होते हैं उनके अंदर सेंस नहीं होता, उनके अंदर सेंस होता है इसलिए वो उस चीज़ को ईजिली मीन्स कवर अप कर सकता था और वहाँ वो उस चीज़ को यूज़ करता था. मतलब मैंने उस रस्सी को बांधा था तो उस रस्सी को चढ़ के आ जाता था और वापस उसे चला जाता था, मतलब उसके हम कह नहीं सकते कि उनके अंदर सेंस नहीं होता, उनके अंदर सेंस था इसलिए उस चीज़ का वो यूज़ करते थे. नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स. और इसी से पता लगता है कि जो जो एनिमल्स होते हैं या जो बियर होते हैं उनके अंदर अफेक्शन होता है, सेंस भी होता है, मेमोरी भी उनकी होती है और उनके अंदर मतलब ये इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो किसी भी इंसान के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी बना सकते हैं. मीन्स अगर आप एनिमल्स को प्यार देंगे तो उनके साथ भी आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड ऑफ लव भी बन जाता है, मीन्स आपका एक प्यार वाला रिश्ता भी बन जाता है. जैसे मेरी वाइफ का एक मतलब जब हम उसको लेकर आए थे तब तो कुछ भी अटैचमेंट नहीं था, कुछ भी अफेक्शन नहीं था, बट धीरे धीरे उनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता गया. तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम एनिमल के साथ में एक अच्छा रिलेशन ही बना सकते, एनिमल्स तो और ज़्यादा मतलब केयरिंग और वफादार होते हैं. तो इसी तरीके से बियर के साथ में भी बहुत अच्छा रिलेशन मेरी वाइफ का बना और इसी के साथ मेरी वाइफ की जो यात्रा थी मीन्स जो ये स्टोरी थी ये कंप्लीट होती है. और इससे हमें पता लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी अफेक्शन, लव, सेंस और मेमोरी वगैरह होती है जिस चीज़ को वो फील करते हैं और हमेशा उसको याद भी रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ आर कंप्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. थैंक यू ऑल.